हैं बची खुची सब्जियों से कैसे भाजी बनाएं। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स काट लिए हैं, जैसे ये थोड़ा सा कद्दू बचा हुआ था, ये थोड़ी सी लौकी बची हुई थी और ये थोड़े से बीन्स पड़े हुए थे। और गाइस पाव भाजी में आलू तो पड़ता ही है, वो तो ज़रूरी डाला जाएगा। यहाँ पे मैंने दो आलू भी काट लिए हैं और इन सभी चीज़ों को मैं कुकर में डालकर और उसमें एक कप पानी डालूंगी और बॉयल करने के लिए रख दूंगी। और गाइस यहाँ पे मैंने दो प्याज काट लिए हैं और मैंने यहाँ पे कुछ हरी धनिया की पत्ती काटी है और दो एक शिमला मिर्च काट लिया है और कुछ मैंने यहाँ के आधी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे मटर के दाने लिए हैं और एक टमाटर चॉप किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दूंगी और इसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी और फिर इसके बाद मैं इसमें बटर डाल दूंगी। मैंने रिफाइंड ऑयल इसलिए डाला है ताकि बटर ना जले। आप लोग ना डालना चाहें रिफाइंड ऑयल तो मत डालें। अब हमारा देखिए बटर हो चुका है। अब मैं चॉप किया हुआ इसमें प्याज डाल दूंगी और इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। गैस देखिए प्याज हमारा हल्का ब्राउन होने लगा है तो मैं इसमें अब ये मटर डाल दूंगी। मटर मैं इसलिए सबसे पहले डाल रही हूँ, ये हमारी ये सफल वाली मटर है तो ये थोड़ा गलने में टाइम लेती है तो इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मटर डाले दे रही हूँ और इसे भी दो मिनट भूनकर फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दिया है और फिर चॉप किया हुआ टमाटर डाल दूँगी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ। गैस नमक मिक्स कर दे रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। अब जो मैंने वेजिटेबल्स उबाले थे वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके। गाइस अगर आप लोगों के पास पाव भाजी मिक्स करने वाला ये हो तो आप इससे कर लें, नहीं तो आप करछी की मदद से ही इसका मिक्सचर बना लें। तो ये गाइस देखिए ये सारी चीज़ें मेरी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, सब एक में मिल चुकी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। गाइस मसाले में मैं यहाँ पर एक चम्मच भर के कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, इससे हमारी पाव भाजी में कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। गैस मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डालूंगी और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गैस देखिए सब्जी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें दो कप के करीब पानी ऐड कर दूंगी और उसे भी अच्छे से मिला दूंगी और फिर 5 मिनट के लिए स्लिम गैस करके इसे ऐसे ही पकने देंगे। गैस देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मुझे जिस टाइप की चाहिए कंडेंसी उसी टाइप की है तो मैं अब इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी और इसे भी मिक्स कर दूंगी। फिर गैस मैं गैस बंद करके थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से भी डाल दूंगी। गैस मैंने यहाँ पे ले लिए हैं पाव। ये पाव मैंने रेडीमेड खरीदे हैं, घर पर नहीं बनाए हैं और इसे मैं पाव को कट कर लूँगी। अब फिर एक तवा गैस पे चढ़ाकर मैं उस पर बटर डाल दूंगी और थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डाल दूंगी। और गैस मैं इस कोई मसाला नहीं ऐड कर रही हूँ, जो मैंने भाजी बनाई है उसी को थोड़ा सा डालकर और इसमें इसे पाव रख दूंगी। अब पाव को हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से उलट पुलट कर। ये पाव हमारे कितने अच्छे बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। पाव हमारे सिक चुके हैं, मैं पाव के ऊपर भी थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। तो चलिए अब भाजी की तरफ देखते हैं। तो गैस यहाँ पे भाजी रखी हुई हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है तो फिर मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी और इसमें मैं आधा कप पानी ऐड करूंगी और फिर मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगी और फिर इसमें थोड़ा सा डालूंगी हरा धनिया और बटर और इसे मिक्स करके फिर प्लेटिंग करूँगी। गैस मैं यहाँ पर कर लूँगी प्लेटिंग। गैस देखिए अब मैंने प्लेट में भाजी डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सजाने के लिए डालूंगी हरी धनिया और थोड़ा सा बटर। गैस देखिए यहाँ पे मेरी प्लेटिंग हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी एकदम परफेक्ट। कोई बताएगा इतने कम चीज़ों में इतनी अच्छी पाव भाजी बन गई है, एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है। गैस आप लोग भी अपने घर पर बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।